महावितरण कंपनी के निजीकरण के विरोध में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और अनशन का दौर शुरू हो चुका है। महावितरण के बिजली कर्मचारियों सहित महावितरण में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों के संगठन भी महावितरण के निजीकरण के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। आगामी 6 जनवरी तक बिजली बंद की चेतावनी देते हुए राज्य भर के बिजली कर्मचारियों सहित महाराष्ट्र राज्य बिजली संघर्ष कृति समिति की यवतमाल जिले की दिग्रस शाखा ने बुधवार को महावितरण के उपविभागीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार की महावितरण के निजीकरण की नीति का पुरजोर तरीके से विरोध किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए आगामी 6 जनवरी तक काम बंद अनशन की चेतावनी दी है। विद्युत महामंडळाची जेव्हापासून स्थापना झाली तेव्हापासून महावितरण आणि महानिर्मिती महापारेषण असे वेगवेगळ्या 3-4 कंपन्या तयार केल्या आणि त्यानंतर आता खाजगीकरणाकडे आपलं हे वाटचाल आहे सरकार। परंतु ही रोखण्यासाठी महावितरणमधले संपूर्ण कर्मचारी जे खाजगीकरण जे होत आहे ते रोखण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमचा हा 3 दिवसाचा संप 72 घंट्याचा संप आहे। 4-5-6 तीन दिवसाचा संप आहे। या संपामध्ये आम्हाला जास्त काही मागण्या नाही किंवा आम्हाला पगारवाढ अशा काही मागण्या नाही। परंतु आमच्यामध्ये जे खाजगीकरण होत आहे आमच्या कंपनीमध्ये जे खाजगीकरण होत आहे ते थांबवण्यासाठी आमचे कर्मचारी हा संप करत आहे। यामध्ये ग्राहकाला त्रास देणे हा आमचा उद्देश नाही आहे। महावितरण कंपनीने आमचे म्हणणं व्यवस्थितपणे समजावून घेतले आणि आमच्यामध्ये जर तोडगा काढला तर आमचा संप कधीही आम्ही स्थगित करू शकतो। महावितरण कंपनीमध्ये काम करताना आम्हाला म्हणजे खूप त्रास होत आहे। जसे की खाजगीकरण आणि बाकीचे जे मटेरियल नाही देणे यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजगी होते। जर कंपनीने आम्हाला विविध प्रकारच्या सामग्री जर दिल्या तर ग्राहकांमध्ये आमचे नाराजी राहत नाही आणि कंपनीला चांगली सुविधा देत आहेत। आणि आम्ही हा संप ग्राहकाविरुद्ध नाही असून आम्हाला फक्त खाजगीकरणचे अदानीकडे खाजगीकरण चाललेलं आहे त्याच्याविरुद्ध हा आमचा संप आहे। इस मौके पर दिग्रस तहसील में महावितरण से जुड़ी विभिन्न संगठनों के लगभग 130 कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए कामबंद आंदोलन को समर्थन देते हुए महावितरण के निजीकरण के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। ऐसे में राज्य भर में जारी विरोध प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार तत्काल इन कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले और महावितरण को निजीकरण के चंगुल से मुक्त कराए ताकि आगामी दिनों में बिजली बंद आंदोलन से आम जनजीवन को इसके विपरीत परिणाम न झेलने पड़े। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।